ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਈਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂ ਈਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੋ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਈਦ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਣੇ ਛਵਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਣੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚਾ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ भाई वो सूट दिखाओ वो भैया सूट दिखाओ वो जेड़ा लाल रंग दा है ना वो लाल रंग दा सारा नहीं सूट ना सारा लाल पे ना लाल दे नाल जेड़ा नकाब खिचो मरा दिन मैं कपड़े दिखाना फिर तुसी जाओ सूट वेखो इतने प्यारे कोई नहीं शाम हो खड़ी असि कल उठा घरेलू औरतें अच्छियां औरतें मतलब के उन्हें तुसी बदनाम कर दो यार सानू माफ कर दो नहीं तो शर्म नहीं आई ये काम कर दो यार कोई नहीं अगू ईद आउंदी पई आ ईद आउंदी पई आ ਨਹੀਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਈਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਇਤਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਈ ਈਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਅਮਸਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਅਮਸਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਲਾਓ ਲਾਓ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਬੁਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਟੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤ ਹੈ ਸਾਂ ਜਾਵਣ ਦਿਓ ਜਾਓ ਬੁਰਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬੁਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੋਬਾ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਇਤਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਨੀ ਡਕੈਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਸ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟੇ ਆਈ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਪੁਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਪੜਾ ਇਹਨੇ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नाज़रीन ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी देखिए मतलब कि हमें ये व्हाट्सएप पे भेजी गई कराची से स्टोरी आई है तो अक्सर ज़्यादातर हमें जो स्टोरीज हैं कराची से लोग भेजते हैं तो फिर इस तरह के मतलब के स्टोरीज होती हैं कि सोच समझ के बनानी पड़ती हैं क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट करते हैं देखें अगर आप भेस बदल के लड़कियों वाला भेस इख्तियार करके आप जाएंगे लूट मार करेंगे कपड़े चोरी करेंगे लोगों को लूटेंगे तो देखें ये इसमें औरतों का नाम बदनाम होता है बुरके वाली औरतें हैं इससे लोग डरेंगे इनसे कि ये चोर हैं डाकू हैं ये बहुत गलत बात है ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए आप ये ऐसा मजाक ना उड़ाया करें और अपना भेस ना बदला करें अल्लाह से डरा करें लेकिन जब आप ऐसी हरकत करते हैं तो आप अल्लाह से डरा करें और मज़ीद मैं मैडम आलिया मेरे साथ हैं भाई आसिफ हैं भाई हसन हैं तो मैं
हवाले से कहूँगा कि ये जो हरकत है, मतलब कि जिस तरह उन्होंने किया, बुर्का पहन के लोगों को लूट मार करना, तो कपड़ों वाली शॉप पे जाना, वहाँ पे कपड़े छुपाना, तो ये क्या अच्छी आदत है या गलत है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नौमान टीवी को लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को जो है ना उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इस्लाम में पर्दे करने की इजाज़त दी गई है और कहा है कि मतलब कि पाबंदी के साथ पर्दे करने की इजाज़त दी गई है, हम तो अब जैसे कैजुअल हो गया, अब चादर लेना या दुपट्टा, काफ़ी लोग इसको नहीं मानते, मतलब कि जो करते हैं, जो लड़कियाँ अच्छी होती हैं या जो मदरसे जाती हैं, जो पर्दा पहले से ही करती हैं या जो बुर्का पहनती हैं, ये जो लोग हैं उनको भी बदनाम करें, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और कुछ आखिरत के बारे में सोचें, अच्छे लोगों के बारे में सोचें। वो आप अगर ऐसी हरकत करेंगे तो आप लोगों के साथ दूसरों का नाम बदनाम होता है। बेशक नुमान भाई अपने शहर में भी ये 2-3 वाकयात हो गए, मेरे ख्याल से आपको पता चला होगा। तो अभी एक और भी स्टोरी सेंड की गई और एक हमारे ओरिजिनल अपनी में भी, मतलब कि एक लड़का था, वो लड़की की आवाज़ में बातें करता था और बुर्का पहन के मतलब कि मिलने आता था लड़कों से और उनको पता भी नहीं चलता था। फिर ये ईद के करीब उसको पकड़ा गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो बुर्का पहन के मिलने आया था, मतलब पैसे भी लेने आया होगा कुछ और मिलने भी आया था। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप जो बुर्का करते हैं, जो पर्दा करते हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी।